नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूनी कार्बाजन 4 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यूनी कार्बाजन 4 टैबलेट का मुख्य उपयोग परजीवी संक्रमण यानी कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की 10 टैबलेट की यह स्ट्रिप आपको 34 रुपये में डॉक्टर के पर्ची पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। यूनी कार्बाजन 4 टैबलेट में डाइथिल कार्बामेथाइन साइट्रेट IP 250 mg और क्लोरपिनेमाइन मैलेट IP 5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद डाइथिल कार्बामेथाइन यह एक कृमिनाशक दवा है। यह उन परजीवी कृमियों को मारता है जो परजीवी कृमि संक्रमण के साथ साथ फाइलेरिया का कारण बनते हैं। यह आपके संक्रमण को ठीक करने में मदद करता है और साथ ही क्लोरपिनेमाइन मैलेट यह एक एंटी एलर्जिक है जो बहती नाक, आंखों से पानी आना और छींकने जैसे एलर्जी के लक्षणों से छुटकारा दिलाता है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग कृमि संक्रमण की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही एलर्जी, सर्दी जुकाम, नाक बहना, खुजली, कप एंड फ्लू, पित्ती, धूल से एलर्जी होना और साथ ही परागत जोर की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही फाइलेरिया की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। फाइलेरिया को हाथी पाव, फील पाव और श्रीपद भी कहा जाता है। यह उष्णकटिबंध देशों में सामान्य है और परजीवी निमोटाइड के रोग के कारण होता है जो छोटे दागों जैसे दिखते हैं। यह बीमारी फिलेरिया उचेरिया ब्रैनकॉप्टी, ब्रुगेडिया मलाई और ब्रुगेडिया टिमोरी नामक निमोटाइड के रोग के कारण होती है। फाइलेरिया के सबसे ज्यादा मामले उचेरिया ब्रैनकॉप्टी नामक परजीवी के कारण होते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट से आपको मिचली आना, भूख में कमी, नींद आना, सिर दर्द और एलर्जिक रिएक्शन यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट महसूस होते हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करिए ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंट्रैक्शन ना हो। यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। यदि आपको हार्ट, लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। यह टैबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें और साथ ही यह टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस टैबलेट का डोज अलग हो सकता है, इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। एडल्ट व्यक्ति दिन में 1 या फिर 2 टैबलेट पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से खाना खाने के बाद ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।